बस हमारी नींद से बुरी हालत है और यहाँ पे चारों तरफ पूछताछ करने की कोशिश कर रहे हैं कि पता चले कि हमें कैसे जाना है, कहाँ जाना है, बट अभी कुछ क्लियर नहीं हो रहा। पर ये है कि सुबह 7 o'clock ये खुलेगा, तब तक हमें कहीं ना कहीं बस रेस्ट करना है, तो उसके लिए भी हम इंतज़ाम कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, हमारे दर्शन बहुत 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 अच्छे से हो गए हैं। थोड़ी सी देर ज़रूर हुई, पर मतलब देर आए दुरुस्त आए। और अभी आप देख रहे हो अनाउंसमेंट हो रही है, तो बहुत सारे लोग जो गुमशुदा हो जाते हैं उनकी अनाउंसमेंट हो रही है। जय माता दी। तो बहुत अच्छे से हो गए, अभी हम जा रहे हैं अपने भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। चलो चलते हैं। दर्शन के लिए हम लोग रोपवे से जा रहे हैं, क्योंकि सारे लोग की हालत थोड़ी पंचर है। हम लोगों ने भैरव बाबा के दर्शन कर लिए हैं यहाँ पर। बहुत ही उनकी जो भभूत है वो मिल रही है, लिए भभूत मिल रही है, जिसके लिए बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। और अंदर मंदिर के दर्शन तो हम नहीं करा सकते आपको। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो आपको बर्फ के पहाड़ दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पे बहुत ही प्यारा वाला नजारा है। मेरा गला पूरी तरीके से खराब हो चुका है। ये भैरव बाबा के जब हम दर्शन करने आए तो साइड में एक पहाड़ी जैसे थी, जहाँ पे सारे लोग फोटोज वगैरह खिंचवा रहे थे। हम आए तो सबसे प्यारा नज़ारा जो दिखा है वो ये है। लौट रहे हैं यहाँ से अपने बहनों के साथ। तो दोस्तों, मेरी आवाज़ तो गई हुई है बिल्कुल ही। आज मैं नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब हम वैष्णो देवी के दर्शन करके आ गए, उतर के आ गए, रात में बस घोड़े बेच के सो गए थे। और अभी मॉर्निंग हुई, अभी हम लोग यहाँ रखे हैं। तो हमने एक होटल लिया क्योंकि लग रहा था कि रेस्ट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमने एक होटल रूम लिया, रात भर सो गए अच्छे से। अब सुबह थोड़ा फ्रेशन अप होंगे, मतलब अब नाश्ता करेंगे और फिर अपनी जर्नी पे बैक टू होम चलेंगे। हमारा ब्रेकफास्ट आ गया है, वो है डोसा। मतलब ये डोसा नहीं, हम लोग तो छोले भटूरे खा रहे हैं, पर हमारा अभी तो गाड़ी नहीं है। तो फ्रेंड्स, हमारा सांभर डोसा खत्म हो चुका है और उसके बाद आया है हमारा छोले भटूरे। और इतने बड़े ये जायंट साइज के हैं। उसके अंदर का देख लो कैसा है, अंदर का बिल्कुल साफ होगा। मेन ठीक है, इसके अंदर तेल देखो ये चीज होती है। पहाड़ी राजमा यहाँ के फेमस है, 170 रुपये पड़ जाएंगे किलो, 100-200 का। और हमारे यहाँ का ये देखो ओरिजिनल केसर, ये 1 gram 360 का मिलेगा, 360 lakhs per kg है।
और इसका इसका यूज इतना सा करते हैं, अगर एक गिलास दूध अगर कोई पीता है तो इतना सा डालना है एक गिलास दूध में, और पहचान ये जीभ के ऊपर रखोगे थोड़ा कड़वा होगा फ्लेवर इसका, जीभ के ऊपर रखने से कड़वा नॉर्मल फ्लेवर होगा, अगर जो डुप्लीकेट होती है डुप्लीकेट बिकता है यहाँ पे तो वो फ्लेवर देगा नहीं ना कड़वा होगा वो। आप खुशबू देख लो, आप अगर चाहिए तो सामने सामने इसमें से ही पैक करके दूंगा मैं एक बार। हाँ देख लो और ये फिक अंजीर, अंजीर खाने से भी पेट साफ होता है, पेट साफ होता है, गैस कब्ज ठीक होती है, ब्लड आप ब्लड बढ़ता है, भिगो के खाओ दूध में, भिगो के खाओगे ब्लड बढ़ेगा। अंजीर आपको 275 की मिलेगी, 250 ग्राम 1100 केजी है, और सीड्स बिलाजीर भी आप प्रयोग कर सकते हो, कितना जितना माचिस की तीली का बारूद होता है उतनी क्वांटिटी गर्म दूध में डालनी है। ये ऐसा सिलाजीत, ये भी एक आयुर्वेदिक आइटम है, ये सबसे अच्छी आइटम है, जॉइंट का प्रॉब्लम रहता है ना किसी को कि मेरी शरीर टूट रहा है, हड्डियाँ टूट रही है, कमजोरी है, तो ये भी बहुत बढ़िया चीज है, समझ लो दवाई है ये, ऐसे नाखून से कवर उतार लो इसका, अंदर का सीड्स खा लो, दो गोली रोज खाओ सुबह सुबह, जोड़ों का दर्द गैस की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है इससे। और ये हिंग हमारी यहाँ की लता आपकी दिखाई देती कल दूधिया हिंग एक नंबर होगी। हाँ खुशबू देखना इसकी, ये होती है गीली वाली। हाँ अगर आपको इसको ज्यादा दिन रखना चाहो कि लगता है कि भाई ये गीली है सूख जाएगी तो सूखने का खतरा हो, तो आप इसमें पानी भी डाल के रख सकते हो, जब भी यूज करना है तो पानी का फ्लेवर डाल दिया तो चार रख सकते हो, जैसे पुराने जमाने में रखते थे ऐसे करते हैं, लंबे वाले डब्बे लगे हैं, वो इंस्टेंट कावा है, इंस्टेंट कावा और उसके ऊपर पिस्ता है, और ये सब्जी जो है एक डिंगरी है, इसको भी कश्मीरी सब्जी है, इसको भी हाँ मशरूम टाइप का होता है, इसको हल्का बॉइल करो, बॉइल करके और तड़का लगा दो, इसको भी सब्जी बनती है, सांस फूलती है जिसकी, उसके लिए बेनिफिट है। दालचीनी आएगी, पहाड़ी मेथी आएगी, मेथी दे दो 20 रुपए पैकेट, किसी भी सब्जी दाल में डाल दो, पराठे में डाल दो, अंजीर का, अंजीर का मैम रेट तो मैंने आपको जो बताया ना सही बताया, और इस लेवल रेट बताया, अगर इसमें आपको क्वालिटी लेनी है देख लो, थोड़ा ब्लैक ब्लैक आएगा वो 1000 रुपए पड़ जाएगा, ना देखना वैक्यूम करके रखा हुआ है, जल्दी खराब भी नहीं होगा, और आप ज्यादा दिन स्टोर, पर आपके यहाँ जो क्वालिटी मिलती है आपके यहाँ मिलती है बाहर वाली, अफगानिस्तान की, और हम देखते हैं लद्दाख की, इधर की जो हमारा इधर का यूनिक होता है फेमस होता है वो रखते हैं। ये इमली की टॉफी है, इतनी मीठी टॉफी, और ये बाकी और आएंगी डाइजेशन गोली आएंगी, हिंग पेड़ आएगा, इमली पसंद है, ये वाला मुझे अच्छा लग रहा है, ये क्या करते हैं इसको, ये यार कुछ भी डालो फ्लावर्स, ये दिखाइए और सही रेट पहले ही बता दो, 300 रुपये इनका 100 में आता है। हाँ, सही सही। आप एक साथ बहुत सारा सामान लाते होगे। हाँ ना बिल्कुल सही, हैंडमेड तो है, मशीन में थोड़ा ही बनेगा। तो फ्रेंड्स हमारी शॉपिंग मार्केटिंग सब कुछ हो गई है, हमने खाना वाना खा लिया है, और अब बस यहाँ से हम लोग निकलने वाले हैं अपने बस स्टेशन पे, और मैंने ये बास्केट भी ले लिया है। जगह ना हम लोग लंच के लिए रुके हैं, बहुत अच्छी सी जगह है, चलिए आपको दिखाती हूँ। सो
तो जय माता दी दोस्तों, मतलब कल हम लोग बिल्कुल दर्शन करके आ गए हैं, तो चेहरे पे तो थकावट बिल्कुल है और बॉडी में भी पूरी थकावट है अभी, बट जो दर्शन हुए मतलब ऐसा लग रहा है हम अभी वहीं पर हैं। तो दर्शन बहुत ही अच्छे से हो गए और जो भी लोग जाते हैं उनको ये पता ही होगा कि वहाँ जाने के बाद जो मतलब जो थकावट होती है वो इतनी जल्दी उतरती नहीं है। और सब कुछ बहुत 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 अच्छा था। आई थिंक कुछ चीज़ों में हमें थोड़ी सी दिक्कत हुई, जैसे कि पता वता करने के लिए हमें थोड़ी सी दिक्कत हुई क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी जब हम गए हैं, तो ऐसा लग नहीं रहा था क्योंकि नवरात्रि तो चले गए थे, बट फिर भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। लोग मतलब कंटिन्यूअस आए जा रहे थे और काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। बट इतने में भी मैं यही कहूँगी कि अगर मैं पॉजिटिव चीज़ देखूँ तो बहुत अच्छा अरेंजमेंट था और हम आराम से हमने दर्शन किए और उसके बाद हम लौट भी गए। वो टट्टू वाला मैंने आपको बताया था, जो घोड़े होते हैं वो बीच में जो जाते आते रहते हैं, वो एक इशू है। आई थिंक वो रिजॉल्व करने के लिए किसी ना किसी को तो मतलब एक स्टैंड लेना ही पड़ेगा, क्योंकि लोग भी जा रहे हैं, घोड़े भी जा रहे हैं, ट्रॉली भी जा रही है और रास्ता इस तरीके से है, तो वहां पर दोनों में क्लैश हो जाते हैं। चार लोगों को मेरे सामने ही चोट लगी है, मतलब मुझे इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था। अब कोई ट्रॉली किसी के पैर पे चढ़ा देगा जहाँ पे पैरों की वैसी बुरी हालत हो जाती है, तो ये वाला थोड़ा सा इशू है जिसको हैंडल करना चाहिए। अदरवाइज हमारा जो टोटल ट्रिप था, मतलब क्योंकि हम फ्रेंड्स के साथ गए थे, बहुत 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 मज़ेदार था। तो आप लोग भी जाइए, माता का बुलावा आएगा तो आप लोगों को जाना ही पड़ेगा। तो जय माता दी दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। आपके एक कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। See you and bye-bye.